नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यायाम के बारे में जिसको करने से सांस की गति उचित हो जाती है। इस व्यायाम को करने के लिए टांगों को थोड़ा दूर रखते हुए खड़े रहें, दोनों हाथों को उठाएं और उनके अंगूठों को कंधों पर रख दें, कोहनियों को कंधों की ऊंचाई तक दाएं और बाएं रखें, रेचक करते हुए बाजुओं को आगे समांतर फैलाएं, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी, पूरा करते हुए हथेलियों को बाहर की ओर फैलाएं और बाजुओं को एक चौड़ी मेहराब बनाते हुए पार्श्व में और पीठ की ओर ले जाएं, जैसा वृक्ष स्थल चेष्टा में होता है। बाजू कंधे की ऊंचाई तक रहते हैं। इस क्रिया को 5 बार दोहराइए। पूरा करते हुए बाजुओं को पार्श्व में फैलाएं और यह अभ्यास विपरीत दिशा में 5 बार करें। बाजुओं को नीचे कर लें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। यह आसन बाजुओं, कंधों और वक्र रीढ़ को मजबूत करता है। ये छाती की मांसपेशियों को फैलाता है और जकड़ी हुई पीठ को ठीक करने में सहायक है। ये सांस को समन्वित और गहनतर करता है। तो इस तरह अगर आपको भी सांस की गति में परेशानी होती है तो सांस की गति को उचित करने के लिए आप रोज इस व्यायाम को करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।